हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग एंट्रीज में कुछ फर्दर एंट्री सीखेंगे। फर्स्ट है निराली रेंटेड अ प्रीमाइज ऑन 8 अप्रैल 2013 फॉर हर बिजनेस एट ₹3,500 पर मंथ। शी पेड रेंट इन एडवांस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹3,500 बाय चेक। यानी कि ये एंट्री बताना चाहती है कि निराली ने एक प्रीमाइजिस लिया है जिसके उसने रेंट एडवांस में पे कर दिया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसने पे कर दी है। तो रेंट जो उसने पे किया है एडवांस में, उसकी ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन हमें दोनों करनी रहेगी। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन पास ऑन की है। एक है रेंट प्रीपेड की ट्रांजैक्शन जो हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है उसकी ट्रांजैक्शन, और सेकंड है सिक्योरिटी डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है कि रेंट प्रीपेड यानी रेंट इन एडवांस में हमने पे किया है, तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रेंट प्रीपेड। हमने रेंट प्रीपेड किया है यानी कि वो हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई, तो हमने उसको डेबिट साइड में मेंशन किया है। जो हमें पे करना था हमने एडवांस में ही पे कर दिया है, तो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी हो गई, तो हमने उसको डेबिट में किया है। लेकिन जो रेंट हमने प्रीपेड पे किया है वो कैसे किया है, तो यहाँ पे हमने जो रेंट पे किया है वो थ्रू द चेक पे किया है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है बाय चेक रेंट पे किया है, तो इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया है बैंक। एज़ पर पर्सनल अकाउंट आप देख सकते हो रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। जो हमने रेंट प्रीपेड पे किया है तो वो हो जाता है गिवर अकाउंट, यानी कि रेंट जो हमने चेक थ्रू पे किया है तो बैंक बन जाता है गिवर, और रेंट प्रीपेड हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाता है। तो हम एज़ पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो हमने रेंट प्रीपेड को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। इस तरह से हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास की है, एक्सपेंसिस यानी कि रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट और एज़ पर पर्सनल अकाउंट गिवर अकाउंट क्रेडिट यानी कि बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। तो हम इसकी एंट्री पास ऑन करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे उसकी एंट्री पास ऑन की हुई है, रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट 3,500 टू बैंक अकाउंट 3,500 जो हमने एडवांस में रेंट पे किया था वो। आप देख सकते हो रेंट प्रीपेड 3,500 और बैंक अकाउंट 3,500। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कई तरह की होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट एग्रीमेंट में लिखा होता है उस हिसाब से होती है। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल भी होती है और कुछ नॉन रिफंडेबल भी रहती है। कुछ टर्म बेस पे होती हैं कि पर्टिकुलर टर्म तक होती है, और कुछ ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस नहीं कैरी ऑन करना चाहते तो प्रीमाइसिस हम रिफंड कर देते हैं, तो उसके बाद में वो अमाउंट भी हमें रिफंड मिल जाती है। तो वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, टेम्पररी एक्सपेंस रहता है कि जो हमें प्रीमाइसिस होल्डर यानी कि प्रीमाइसिस के ओनर को देना रहता है, तो हम उसे हम यहाँ से डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट जो अमाउंट दी गई है बाय चेक दी गई है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, बैंक वर्ड यूज़ करेंगे चेक के लिए। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ किया हुआ है, थ्रू द बैंक हमने पेमेंट किया हुआ है। एज पर नॉमिनल अकाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी एक्सपेंस है, तो हमने उसको डेबिट साइड किया, और एज पर पर्सनल अकाउंट गिवर बैंक है तो उसे क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री ऑन 13 अप्रैल 2013 सोल्ड टू किरण गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000। 13 अप्रैल 2013 को हमने किरण को गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, यानी कि गुड्स बेचे हैं हमने क्रेडिट पे, तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी रहेगी जिस पार्टी को हमने बेचा है यानी कि जो रिसीवर है। एज़ पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो किरण का अकाउंट हमने डेबिट किया है टोटल अमाउंट जितने अमाउंट से उसने गुड्स परचेज किए 15,000, और हमने गुड्स को सेल किया है यानी कि बेचा है, तो हमने सेल्स अकाउंट वर्ड यूज़ किया यानी सेल्स वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हमने उसको सोल्ड किया है। और एज़ पर रियल अकाउंट
अगर हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, यानी कि सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो हमारी ट्रांजेक्शन बन जाएगी किरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 15,000। नेक्स्ट है ऑन 20 अप्रैल 2013 बॉट फ्रॉम सुनील गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5,000 वन मंथ क्रेडिट। ये एंट्री बता रही है कि 20 अप्रैल 2013 को सुनील से हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे 5,000 के, एक मंथ की क्रेडिट ली हुई है हमने, यानी कि एक मंथ में हम पेमेंट कर देंगे इस प्रॉमिस से हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो अभी इसकी ट्रांजैक्शन के लिए हमने गुड्स बॉट यानी कि परचेज किए हैं, तो परचेज करने के लिए हमने पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है परचेज अकाउंट, और यहाँ पे हमने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं यानी हमारे पास आते हैं, तो एज़ पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि यहाँ पर परचेस अकाउंट को हमने डेबिट साइड मेंशन किया है, और जिसके पास से हमने परचेस किया तो उस पार्टी को हमने क्रेडिट साइड, एज़ पर पर्सनल अकाउंट गिवर अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे गिवर यानी कि सुनील को क्रेडिट साइड में रखा है, और जो अमाउंट से हमने परचेस किए हैं गुड्स वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो इसकी हमारी ट्रांजेक्शन रहेगी परचेस अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू सुनील अकाउंट 5,000 रुपीज़। इस तरह से हम क्रेडिट पे जो गुड्स हमने परचेस किए हैं उसकी ट्रांजेक्शन हम पास आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन पास आउट की है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है ऑन 28 अप्रैल 2013 पेड कैश टू सुनील ऑफ ₹5,000 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ऑफ ₹100 फॉर अर्ली पेमेंट। जैसे हमने ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे, और हमने उसको वन मंथ की क्रेडिट पे परचेज किए थे, यानी कि एक महीने में हम पेमेंट कर देंगे उस हिसाब से हमने उससे परचेज किया था। तो अभी नेक्स्ट हमने 28 अप्रैल को यानी कि 8 दिन के अंदर हमने कैश सुनील को पे कर दिया है, तो सुनील ने हमें डिस्काउंट दिया है ₹100 का फॉर अर्ली पेमेंट, क्योंकि हमने उससे वन मंथ की क्रेडिट ली थी लेकिन हमने 8 डेज़ में उसको अमाउंट पे कर दी है, तो इसीलिए हमें ₹100 का बेनिफिट हुआ है, यानी कि हमें डिस्काउंट अलाउ किया है सुनील ने। तो अगर हम कैश पे करते हैं जिस पार्टी को, तो उस पार्टी को हम रिसीवर कंसिडर करते हैं, यानी कि सुनील रिसीवर हो गया, कैश रिसीवर। तो हमने सुनील को डेबिट साइड में मेंशन किया है और हमने पेमेंट किया है, यानी कि हमारे पास से कैश जा रही है, तो कैश जा रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप देख सकते हो हमने कैश में डाली है अमाउंट 4,900, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टोटल अमाउंट है वो रहती है 5,000, लेकिन ₹100 हमें अर्ली पेमेंट के लिए बेनिफिट मिला है यानी कि डिस्काउंट मिला है, तो हमने उसको कैश डिस्काउंट के अंदर मेंशन किया है ₹100, वो लेस कर लिए हैं 5,000 में से। तो हमने टोटल पेमेंट किया 4,900 का, और ₹100 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है कैश डिस्काउंट ₹100 जो हमें सुनील की तरफ से मिला है फॉर अर्ली पेमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फॉर अर्ली पेमेंट ₹100। इस तरह से हमें अगर इसकी ट्रांजेक्शन पास ऑन करनी है तो हम ट्रांजेक्शन पास ऑन करेंगे जो पार्टी रिसीव कर रही है, एज़ पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर अकाउंट। तो हमारा यहाँ पे सुनील रिसीवर हो रहा है, तो हमने सुनील को डेबिट साइड में लिखा है, और एज़ पर रियल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रही है तो हमने कैश को क्रेडिट साइड लिखा है। तो सुनील अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से ट्रांजेक्शन होगी। थैंक यू।